हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेम। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक जेट्रोपा। जेट्रोपा एज पर डिमांड मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे से हम पे बोला है पढ़ाने के लिए। सो ये जो है लॉन्ग में आज तक कभी नहीं पूछा गया है, शॉर्ट में पूछा गया है सिर्फ एक बार, जो कि 2019 में पूछा गया। तो मे बी आप जिस भी ईयर में एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस ईयर में रिपीट हो जाए। तो हम लोग जेट्रोपा पढ़ेंगे। जेट्रोपा क्या होता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, कॉमन नेम क्या होता है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव दिया भी नहीं है। ये बुक्स वगैरह में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं गिवन है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हुई हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं, अभी मैं समझाऊँगी सीक्वेंस वाइज। तो अच्छे से समझना, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा जाता है उतना यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेट्रोपा का बोटानिकल नेम क्या होता है। बोटानिकल नेम इसका क्या होता है, जेट्रोपा का बोटानिकल नेम होता है जेट्रोपा कर्कस, ठीक है। इसकी फैमिली होती है यूफोर्बियेसी, दिस इज ओ, ठीक है। और इसका कॉमन नेम यानी कि जो इसका हिंदी नेम भी कह सकते हो आप लोग, वो होता है जमाल घोटा, ठीक है। तो अब हिंदी मीडियम वालों को तो ये चीज़ तो प्रॉपर एज इट इज़ ही पढ़नी है, अलग से कुछ नहीं है। और ये जो होता है प्लांट जेट्रोपा का, ये एक श्रब होता है कह लो, मतलब झाड़ टाइप का होता है, या फिर कह लो एक छोटा सा पौधा टाइप का होता है। आपको ये इमेज दिख रही होगी, इस टाइप का जेट्रोपा का प्लांट होता है, फाइन। तो ये हम बस इसमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में कि इसमें और क्या क्या होता है, वो सब पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ इसके यूजेस पढ़ो। ये पढ़ लिया, अब ये शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप एक पेज ही भरोगे, इससे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप शॉर्ट लिखोगे तो फिर आपके मार्क्स तो जाने हैं, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। तो ये आपका मोर देन हाफ पेज में आ जाएगा, एक आधे यूजेस इसमें से आप लिख दोगे तो आपका एक पेज इजली भर जाएगा। फिर यूजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यूज है जो लेटेक्स ऑफ लीव्स, यानी कि कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में से दूध टाइप का निकलता है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो वो जो लेटेक्स, उसको लेटेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तो वो दूध जैसा पदार्थ टाइप का होता है। तो वो जो होता है जो जेट्रोपा का होता है, सबका नहीं, सिर्फ जेट्रोपा का जो वो दूध जैसा जो मटेरियल होता है, वो जब किसी के चोट लग जाती है तो खून वगैरह निकलता है, तो उस घाव पे वो लगा दिया जाता है जिससे कि राहत मिलती है। तो ये एक तरह से मेडिसिनल प्लांट हुआ, ठीक है। और माउथ वॉश में यूज़ होता है ये, मतलब मुंह साफ करने के लिए माउथ वॉश है, फेस वॉश नहीं है, माउथ वॉश, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग गम्स यानी कि जो हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको ताकत देने में, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में जेट्रोपा यूज़ किया जाता है। स्किन डिजीज़ में यूज़ होता है, काफ़ी सारी स्किन डिजीज़ होती होंगी जिनमें जेट्रोपा का यूज़ होता है। फिर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, यानी कि सोप्स यानी कि साबुन को बनाने में भी जेट्रोपा यूज़ होता होगा, होता है। और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती वगैरह बनाने में भी जेट्रोपा का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेट्रोपा के कैरेक्टर्स, मतलब उसके यूजेस, और उसकी जो इम्पोर्टेंट वगैरह चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक। नेक्स्ट कम्स टू क्यू एन ए पार्ट। जैसे कि हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं जो हम पढ़ा चुके होते हैं उससे रिलेटेड, तो आज जो कि हमने जेट्रोपा के बारे में पढ़ा है तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछूँगी। तो आपका क्वेश्चन है आज का कि जेट्रोपा का कोई एक यूज़ बता दीजिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कमेंट्स में, सॉरी जो मैंने हाँ अभी आपको बढ़ाया है उसमें से कोई भी एक यूज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा डेसिडुअस ट्री, यानी कि पतझड़ी पेड़। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारा, जो भी मतलब हम लोग ये प्लांट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ये डोमेस्टिकेशन वाला जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में इसको कैसे लिखना है, इसका एक प्रॉपर वीडियो डालूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, ओके।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई कमेंट कंटेंट देन प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.